उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा द्वारा विश्राम घाट के निकट स्थित सती घाट पर केंद्र सरकार की प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन की गई। एससी एसटी अधिनियम में संशोधन किए जाने से नाराज युवकों ने सरकार विरोधी नारे लगाए तथा इस अध्यादेश को तुरंत वापस लेने की मांग की। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रदेश अध्यक्ष डॉ. आशुतोष भारद्वाज एवं जिलाध्यक्ष पंडित कुलदीप पाठक ने कहा कि सरकार हठधर्मिता के कारण सवर्णों का अहित कर रही है। सवर्ण भुखमरी और बेकारी के कगार पर पहुंच गया है। केंद्र की जनविरोधी नीतियां जनमानस को रास नहीं आ रही। संस्थापक राजेश पाठक एवं प्रदेश महामंत्री आशीष चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार सवर्णों के सपनों के साथ धोखा कर रही है। 2019 में ब्राह्मण सहित सारा सवर्ण समाज भाजपा को जमीन पर ला देगा। इस अवसर पर भारत शर्मा, राजवीर दीक्षित, अमित भारद्वाज, मनोज शर्मा सहित तमाम युवा मौजूद रहे। आज सवर्ण समाज और उत्तर प्रदेश समाज के द्वारा केंद्र सरकार का अस्थि विसर्जन हमने किया है। केंद्र सरकार जो तानाशाही रवैया जो अपना रही है, जो एससी एसटी बिल जो संसद में पेश करके ये गुंडागिरी दिखा रही है, इसका सवर्ण समाज बहुत विरोध करता है। और इस तरह का बिल एक तरीके से गुंडागिरी रहेगी। किसी के ऊपर ये एससी एसटी का बिल वो लगा के केस लगा के और किसी को भी फंसाया जा सकता है, किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है, फिर उसे गुंडागिरी होगी। समाज में इस तरह का आतंक पैदा हो जाएगा कि गुंडागिरी और ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी। अगर एससी के द्वारा किसी सवर्ण समाज के जाट पे, ठाकुर, बामन, बनिया पर किसी पे मुकदमा लगाया जाएगा, क्या गुंडागिरी होगी, मारपीट होगी, और इसका जिम्मेदार कौन होगा? शासन प्रशासन होगा, केंद्र सरकार होगा। और इसका हम सवर्ण समाज बहुत विरोध करता है। अगर ये बिल अगर वापस नहीं लिया तो पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी। हम कांग्रेस के द्वारा केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की अस्थियों का विसर्जन किया गया, जिसमें सवर्णों ने, सर्व समाज आज एससी एसटी का विरोध करता है, जो लागू इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा किया गया। इसमें कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगा के उसकी कोई जांच नहीं होगी, इसकी कोई पड़ताल नहीं होगी, डायरेक्ट उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ये सर्वथा गलत है। इसकी निर्णायक जांच होनी चाहिए। पहले कोई आदमी दोषी है कि नहीं है उसकी, सवर्णों के साथ अत्याचार है, ये पूरा सवर्णों के साथ अत्याचार है। और पूरा सवर्ण इस चीज का विरोध करता है, इस चीज के लिए लामबंद है। इसके लिए हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, उसकी भी देने से हमारा समाज पीछे नहीं हटेगा। अगर केंद्र सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिया तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और भूख आंदोलन करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश बंद रहेगा। हम यही चाहते हैं, मोदी जी से यही चाहते हैं, जो एससी एसटी जो बिल पास हुआ है ये वापस लिया जाए। ये किसी भी निर्दोष आदमी को फंसा सकते हैं और किसी भी बिरादरी को या किसी भी जाति को किसी पर भी लगा सकते हैं। हम ये नहीं चलने देंगे, ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे केंद्र सरकार की। ब्राह्मणों ने यहाँ केंद्र सरकार का अस्थि विसर्जन किया। मेरा तो एक ही अनुरोध है, ये पूरे भारत देश की जनता ने भाजपा को बहुमत दिया, मोदी जी की सरकार को बहुमत दिया सरकार चलाने के लिए, मगर इन्होंने जिस तरीके से आम आदमी और भारत की जनता का गला घोंट दिया है, उस पर तो मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि आप मोदी जी सवर्णों पर बस गोली मारने के आदेश कर दो। कोई हमारी शिकायत करे आप हमें फांसी पर लटका दो। ऐसा तानाशाही रूप रवैया पूरी सरकार ने अपना रखा है, जो जीना मुहाल कर दिया है। लोग अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं। वो आरक्षण वाली आग जो कभी आपके समर्थन से वीपी सिंह सरकार में जली थी, वो अब आरक्षण वाली आग तुमने दोबारा से किसी दूसरे रूप में लगा दी है। आपसे अनुरोध है, या तो इसे वापस ले लीजिए, नहीं तो ये युवा जाग गया है पूरे देश का और आपकी कुर्सी हिलते देर नहीं लगेगी। जय ब्राह्मण, जय सरकार, मुर्दाबाद। आरक्षण यदि हो, हम ये नहीं कहते आरक्षण ना हो, आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पर हो और गरीब के लिए आरक्षण हो, क्योंकि सर्व जाति में गरीब है। सबसे पहले गरीब का उत्थान होगा तभी सही मायने में आरक्षण का शुद्ध लाभ मिल पाएगा। आज सरकारें मात्र राजनीतिक वोट बैंक के खातिर ऐसा कुचक्र रच रही हैं जिसको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जनता त्राही त्राही मचा रखा है। श्रवण समाज की बोलने वाला आज कोई नहीं है।
लगा लीजिए आप एससी एसटी के सांसद संसद में अपनी पार्टी लाइन से अलग हट करके पहुंच जाते वो कर देते हैं, खिलाफत कर देते हैं, लेकिन सवर्ण सांसद और विधायक अपनी आकाओं के तलवे चाटकर एक भी शब्द इसके खिलाफ नहीं बोलते। ये भी बड़ा दुर्भाग्य है।